गुलाबगंज के निवासी इन दिनों परेशान है। घरों में घुस रहा है नाली का गंदा पानी। गुलाबगंज की नालियां जाम होने के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं रोड पर भी जहां तहां गंदा पानी देखने को मिल जाता है। कई घरों में तो यह पानी अंदर तक घुस गया है। वहीं मोहल्ले वालों ने पार्षद से कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। छो गए क्या? हाँ? इनकी सफाई नहीं होती? नहीं होती कभी भी। तो पार्षद से बोला आपने इस बार? बोला था ना, देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। ये आ रही है समस्या, हमें जो पानी रुक रहा है भैया, 3 दिन से बच्चे बहुत परेशान हैं। हम तो ये पानी पूरा घर के अंदर जा रहा है? घर के अंदर पानी जा रही है। करीबन कितने दिन से जा रहा है? 3 दिन होगा बराबर। प्राइवेट कर्मचारी यूनियन द्वारा आज निकाली गई शहर में रैली। रैली गुना शहर के गुमास्ता कानून लागू करने की मांग को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। वहीं कर्मचारियों ने गुमास्ता कानून में प्राइवेट कर्मचारियों को प्रति मंगलवार को एक छुट्टी मिलना अनिवार्य करा गया है। गुना में ऐसा क्यों नहीं होता है, उनके द्वारा जिला प्रशासन को भी कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। साथ ही कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गईं, तो वह उग्र आंदोलन पर आतुर हो जाएंगे। ज्ञापन दे चुके हैं, आज ये शांतिप्रिय तरीके से रैली निकाल रहे हैं।